there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूं और स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास डीडी फ्री डिश है और आपके पास एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स है तो उसमें आपको ऑटो स्कैन चैनल करते हैं तो कितने चैनल्स आपको प्राप्त मिलते हैं और कितने चैनल्स आपको इसमें चलते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कितने चैनल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑटो स्कैन करने के लिए आपको सेटिंग्स को बटन प्रेस करना पड़ेगा और सेटिंग प्रेस करने के बाद आपको इंस्टॉल में आना पड़ेगा। इंस्टॉल में जैसे ही आप आएंगे तो आपको आना है सेटेलाइट लिस्ट पे, और सेटेलाइट लिस्ट पे आने के बाद यदि आपके NS6 में सेटेलाइट पे आप इसको ऑटो स्कैन कर दें तो इस तरह से आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। और मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार लिख के आ रहा है तो अपने रिमोट से ब्लू कलर का बटन प्रेस कर देना है। ब्लू कलर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लाइंड मोड करना है, और ब्लाइंड मोड करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च स्टार्ट कर देना है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि MPG 4 सेटअप बॉक्स में आपको कितने चैनल्स मिलते हैं, फ्री चैनल्स और पेड चैनल्स। तो इसको मैं ऑटो स्कैन कंप्लीट कर लेता हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस कारण से मैं इसको ऑटो स्कैन करके आपको चैनल्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो स्कैन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसमें देखते हैं कि कितने चैनल्स हमको प्राप्त होते हैं, और इसमें 2 सेटेलाइट आपको प्राप्त हो जाएगी, आपके डिश टीवी और डीडी फ्री डिश और साथ में आपका सनडायरेक्ट का। तो ये सभी सेटेलाइट आपको एक साथ मिल जाएगी ऑटो स्कैन करेंगे तो। ये आप देख सकते हैं कि चैनल्स 400 के ऊपर जा चुके हैं, अभी भी ऑटो स्कैन हो रहा है। तो जैसे ही ऑटो स्कैन कंप्लीट होता है मैं सेव करता हूँ और डीडी फ्री डिश में चैनल मिलने वाले चैनल को लिस्ट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि ऑटो स्कैन कंप्लीट हो चुका है और इसमें चैनल्स हमको जो प्राप्त हुए हैं टोटल, तो 690 चैनल्स प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप भी अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करके चैनल्स को कर सकते हैं, और आपको मैं एक एक करके चैनल्स दिखाऊंगा, सनडायरेक्ट का और डिश टीवी का और डीडी फ्री डिश का। तो इस तरह से आप सेट करके तीनों सेटेलाइट को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं अपने डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके चैनल्स दिखाता हूँ, और इस तरह से आप अपने डीडी फ्री डिश को 3 सेटेलाइट एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये आपका बिग मैजिक चल रहा है और ये आपका डीडी फ्री डिश का है। मैं आपको इसका सिग्नल क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ कि सिग्नल क्वालिटी कितना आ रहा है। तो मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, और ओके प्रेस करने के बाद आपको सिग्नल क्वालिटी इसको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 37 के करीब सिग्नल क्वालिटी है। और फिर इसके बाद मैं आपको डिश टीवी के चैनल्स दिखा देता हूँ, जो आपके डिश टीवी के चैनल्स चलते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको सनडायरेक्ट के चैनल्स दिखा दूंगा कि सनडायरेक्ट भी आपके इसमें मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ चैनल्स ये आपके सनडायरेक्ट में है, HD में जो आपके मिल रहे हैं। तो ये सनडायरेक्ट के सेटेलाइट पे मैं आपको चैनल्स भी चला के दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के चैनल्स हैं, आपके जो एड वाले चैनल्स होते हैं। तो ये आपके डीडी फ्री डिश के चैनल्स हैं और डिश टीवी के भी हैं। तो इस तरह से आप इसको ट्रैक करके चला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिश टीवी के चैनल्स हैं जो एड के आते हैं। तो इसको मैं ओके करता हूँ और आपको मैं सिग्नल क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो सिग्नल क्वालिटी आप देख सकते हैं कि 33 के करीब इसकी सिग्नल क्वालिटी है। और इसको ओके करके आपको डिश टीवी के और भी चैनल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके जो इस साइड के चैनल्स हैं, तो डिश टीवी के चैनल्स दिखाता हूँ, और फिर इसके बाद आपको सनडायरेक्ट के चैनल दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका सनडायरेक्ट का चैनल्स है, और ये देख सकते हैं कि सनडायरेक्ट लिखा हुआ है। और सनडायरेक्ट का मैं आपको सिग्नल क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, सिग्नल क्वालिटी कितना इसमें पा रहा है। तो आप देख सकते हैं 31 के करीब इसका सिग्नल क्वालिटी है आपके सनडायरेक्ट का। और फिर उसके बाद मैं आपको डिश टीवी का दिखा देता हूँ। तो डिश टीवी के भी आप देख सकते हैं कि यह डिश टीवी का चैनल्स है। तो इसका मैं आपको सिग्नल क्वालिटी दिखा देता हूँ कि डिश टीवी का आपके सिग्नल क्वालिटी कितने मिलते हैं। तो इस तरह से आप 3 सेटेलाइट को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका स्क्रैम्बल बता रहा है, बट ये चैनल्स आपके सिग्नल आते हैं और जाते हैं। तो और भी चैनल्स आपको मैं दिखा देता हूँ, तो थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं इसकी टीपी, आपकी मैं टीपी भी दिखा रहा हूँ कि टीपी कौन सा है और चैनल्स आपको कौन से हैं, जो सिग्नल क्वालिटी 44% आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं 29511049 आपकी डिश टीवी की टीपी है, और इस टीपी में आपको 3 सेटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं। वो सिग्नल इस कारण से बता रहा था कि वो पुराने चैनल्स डले हुए थे, इस कारण से टोटल 900 चैनल्स हो रहे थे। तो इस तरह से आप अपने चैनल्स को चला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 3 सेटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं आप एक ही छतरी से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।